वर्ष से रेलवे में कार्यरत हूँ और आए दिन अखबार में नारी उत्पीड़न और रेप के बारे में पढ़ती आ रही हूँ और इर्द गिर्द आस पास काफ़ी गरीब लोगों की औरतों के उनके ऊपर अत्याचार होते हुए देखती आ रही हूँ, सुनती आ रही हूँ। तो तब मैं सोचती थी कि क्यों ना मैं भी कुछ कर सकती हूँ, क्या मैं ये नारी उत्पीड़न बंद करने या तो कम करने की कोशिश कर सकती हूँ। तब मैं समाज सेवा से जुड़ी और आज की तारीख में मैं मेंस्ट्रुएशन हाइजीन एंड मैनेजमेंट के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए लड़कियों के गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रोजेक्ट कराती हूँ। और मेरा यह लक्ष्य है कि जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो कम करने की कोशिश करें और नारी जाति को प्रबल, सशक्त और करने की कोशिश कर रही हूँ और उनको और प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि हमारे देश में शुरू से ही नारी जाति को एक सेकेंडरी स्टेटस मिला है और उनके ऊपर कई तरह के मानसिक और शारीरिक अत्याचार हुए जा रहे हैं। मेरा आज का टॉपिक है हमारे देश में रेप जैसी वारदातें और उसका समाधान। आप लोग अखबार में आए दिन रेप की खबरें पढ़ते ही होंगे और आप लोग ये भी सोचते होंगे कि कैसे करके इसका समाधान क्या है। जैसे मैं सोच रही हूँ वैसे आप लोग भी सोचने पर मजबूर होते होंगे कि क्या किया जाए कि रेप कम हो जाए या बंद हो जाए। 16 दिसंबर 2012 में निर्भया की गैंग रेप ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों और गुस्से को भड़का दिया। पीड़िता आखिरकार दम तोड़कर मर गई और अब अदालत ने भी मुजरिमों को मौत की सजा दी। और उन्नाव रेप केस से तो आप लोग सभी वाकिफ है, जिसमें एक रेप विक्टिम के ऊपर केरोसिन डालकर उसे जला दिया गया और ये पीड़िता भी अपनी दम तोड़कर ख़त्म हो गई। क्या ये सारे एपिसोड सुनकर काफ़ी डरावना नहीं लग रहा है? अभी रिकॉर्ड्स ये बता रहा है कि हमारे देश में हर 15 मिनट में एक रेप हो रहा है। रिकॉर्ड्स ये बता रहा है कि 2017 में 32,000 रेप केसेस रजिस्टर हुए हैं। ये तो सारी रिकॉर्ड सुनकर मुझे तो ये सब बहुत डरावने लग रहे हैं। क्या आप लोगों को भी ये सब कुछ सुनकर कुछ सोचने पर या तो कुछ करने की आप लोग सोच रहे होंगे या सोचने पर आप लोग मजबूर हो रहे होंगे? मुझे तो लग रहा है कि ज़रूर आप लोग भी कुछ सोच रहे होंगे ये सारे रिकॉर्ड्स सुनने के बाद। मुझे ये लगता है कि नारी को या कोई भी लड़की को बहुत ही मन से और तन से मजबूत होना चाहिए। उसके लिए हम लोगों को, इन लड़कियों को, काफ़ी प्रोत्साहन और कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, जो कि मैं मेंस्ट्रुएशन हाइजीन एंड अवेयरनेस के ऊपर प्रोजेक्ट करा रही हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स में। और उसके थ्रू से मैं लड़कियों को स्कूल न छोड़ने के लिए प्रोत्साहन दे रही हूँ, क्योंकि हमारे देश में 20% लड़कियाँ मेंस्ट्रुएशन के बाद स्कूल छोड़ देती है। मेरा यहाँ पर ये मानना है कि स्कूल्स में होम साइंस और SUPW इतना ज़्यादा लेवल में सिखाया जाता है, उसकी जगह अगर जूडो कराटे वो लोग अपने करिकुलम में डाले तो क्या बेहतर नहीं होगा? इससे ये होगा कि लड़कियाँ रेप अटैक का सामना कर पाएगी और वो मजबूत बनेंगी। और मेरा ये कहना है कि अगर स्कूल्स जूडो कराटे करिकुलम में नहीं डालते तो क्यों ना हम लोग सारे पेरेंट्स इसके लिए सिग्नेचर कैंपेन करें और प्रोटेस्ट करें। हमारे देश में यह पोजीशन है समाज में कि अगर कोई लड़की के ऊपर रेप होता है तो जो रेपिस्ट है उससे ज़्यादा तो वो लड़की का ही बहिष्कार किया जाता है। क्या आप लोग मेरी इस बात से सहमत है? ऐसा समाज हमारा है, अगर कोई लड़की की इज्जत चली जाती है तो सारे लोग, अड़ोस पड़ोस, उसके सास ससुर, माँ बाप, सारे लोग उसी को ही कोसते हैं जैसे उसने ही कोई अपराध किया है। और ये भी हो रहा है मैक्सिमम केसेस में कि मैंने जैसे बताया 32,000 रजिस्टर हुआ है, लेकिन कितने केसेस तो रजिस्टर ही नहीं हुए, बिकॉज कि वो जो लड़की है उसके पेरेंट्स इतने ज़्यादा डर जाते हैं, इतने ज़्यादा लज्जित हो जाते हैं जैसे उनकी बेटी ने कोई बहुत बड़ा दुष्कर्म कर लिया और पुलिस के पास में उसकी रिपोर्टिंग लड़की भी और उसके पेरेंट्स कोई नहीं करता है और चुपचाप बैठ जाते हैं कि जैसे कि चुपचाप रहो तो फिर हमारी लड़की की इज्जत बच जाएगी, आगे उसकी शादी कर देंगे या तो शादीशुदा है तो घर की इज्जत बच जाएगी। क्या आप लोगों को ये लग रहा है कि ये बात सही है कि रिपोर्टिंग नहीं हो रही है रेप की?
और इसके बाद में ये भी मैं बताना चाहूँगी कि जब कोई रिपोर्टिंग हो ही नहीं रही है तो जो लड़का जिसने रेप किया है उसे और शय मिल जाता है। मैं यहाँ पर उपस्थित माताओं से एक किस्सा सुनाकर आप लोगों को सबको सोचने पर मजबूर करूँगी। मदर इंडिया पिक्चर में नरगिस ने अपने बेटे को गोली मारकर मृत्युदंड इसलिए दिया कि वो गांव की एक लड़की को भगा कर लेके जा रहा था। जब 1957 में मदर इंडिया बना तब इतना बड़ा एक स्टेप दिखाया गया कि एक माँ ने अपने बेटे को कि कुछ लड़की के साथ में ये ऐसा काम करने के लिए जब वो गोली मारकर उसको मौत की सजा दे रही है। तो इससे मैं नरगिस के द्वारा एक माँ की छवि इस तरह से पोर्ट्रे करना चाहती हूँ कि एक ममतामयी माँ जरूरत पड़ने पर कठोर भी हो सकती है। ये क्या सोचने वाली बात नहीं है कि मदर्स को ऐसे ही होना चाहिए, जहाँ पर एक ममता है वहाँ पर वो कठिन स्टेप भी ले सकती है ज़रूरत पड़ने पर। मेरा ये मैसेज जा रहा है समाज को कि हमारे घर से ही तो समाज होता है, तो सारे लड़के लड़कियों को हम लोगों को एक सम्मान मानसिकता, एक सम्मान जिम्मेदारी, एक सम्मान अधिकार और जिम्मेदारी से उनका लालन पोषण होना चाहिए। क्योंकि जब शुरू से ही लड़के लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां तो बड़ी मतलब कमज़ोर है, काबिल नहीं है, तो माँ बाप का यहाँ पर कर्तव्य होता है कि अगर एक बेटा बेटी है या तो दो बेटा दो बेटी है चाहे जो भी है, तो घर में लड़कों को इस तरह से लालन पोषण किया जाए कि वो लोग ये ना समझे कि लड़की काबिल नहीं है, लड़की के अंदर कैपेसिटी कम है। वो घर से ही शुरू होगा, बाहर से नहीं, क्योंकि घर से ही तो समाज बनता है। बिकॉज इंग्लिश में कहा जाता है कि चैरिटी बिगिन्स एट होम, तो घर की तो शुरुआत है। तो लड़कों के मन में ये कभी नहीं डालना चाहिए कि लड़कियाँ कमज़ोर है, काबिल नहीं है, तो और उनके ऊपर मतलब लड़के कुछ भी टॉर्चर कर सकते हैं, ये एक जो मानसिकता है वो शुरू से ही होनी चाहिए। हम लोग लड़कों का लालन पोषण घर में इस तरह से हो कि वो लोग नारी जाति को सम्मान दे और हर एंगल में नारी जाति को कमज़ोर न समझे। मेरा तो ये कहना है कि आप लोग भी ये सारी बातें सोचने पर थोड़ी देर के लिए सोचने लगे होंगे और ये सोच बहुत आगे तक चलाएंगे। मेरा ये सोचना है कि यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि सारे लोग सोचेंगे। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि घर में जो तभी मुमकिन होगा जब एक माँ की छवि एक काबिल और सशक्त नारी के बराबर और पिता के बराबर की होगी, तभी ये मुमकिन हो पाएगा कि लड़के लोग जिस सबसे शुरू से तो अपनी माँ को देखते आते हैं, तो जब घर में माँ की छवि जो है, इमेज है, वो एकदम से सशक्त, काबिल और पिता के बराबर की होगी, तभी लड़कों को भी नारी जाति के लिए सम्मान होगा और नारी जाति के लिए और भी ज़्यादा कुछ सोचेंगे कि प्रोत्साहन करें। और जहाँ पर मैं ये कहूँगी कि रेप का समाधान एक सबसे बड़ा ये भी है, जब रेप के जो मुजरिम हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और जो रेप विक्टिम से उनके तरफ से अगर स्पीडी जस्टिस बहुत ज़रूरी है, अदालत अगर हमारा कोर्ट है जो कि स्पीडी जस्टिस और मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए, तो वो एक डिटरेंट का काम करेगा कि आगे लोग डरेंगे कि भैया स्पीडी जस्टिस भी हो रहा है और अपराधियों को बहुत ही सख्त वो मिल रहा है, सजा मिल रहा है, तो फिर ये एक डिटरेंट का काम करेगा। मुझे ये लग रहा है कि मैंने काफ़ी चीज़ों का समाधान यहाँ पर आप लोगों के समक्ष बताया है। आप लोग ज़रूर कुछ सोचने पर मजबूर हुए होंगे और ये सोच जो है, सोच ही तो सब कुछ है, सोचता हूँ मैं कहा जाता है, सोच सबसे बड़ी बात है, थिंकिंग। तो अगर ये सोच को अगर आप लोग जारी रखें, घर का माहौल ऐसा बनाए कि लड़कियों को सम्मान और काबिल समझा जाए, जो लड़कियों की छवि है सबसे पहले माँ से शुरुआत होती है, माँ को अगर काबिल सशक्त बनाया जाए पिता के बराबर की, तो लड़कों को भी शुरू से ही लड़की जाति को वो लोग सम्मान कर पाएंगे और इस तरह का दुष्कर्म हमारे समाज में कम हो जाएगा। और इसी चर्चा को मैं यहाँ पर अंत कर रही हूँ। आप लोगों से उम्मीद रखने के बाद में यहीं पर मैं चर्चा पूरी कर रही हूँ और लैब एकेडमिया को मेरी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मेरी बातें रखने का मुझे अवसर दिया, मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।